أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. आज का जो हमारा लेक्चर है वो है फरवरी मार्च 2023 पेपर वेरिएंट 2-2 का हम पास पेपर करने वाले हैं, द मोस्ट अवेटेड पास पेपर ऑफ आवर यूट्यूब चैनल मार्केम प्रो का सबसे अवेटेड पास पेपर जो था वो आपका ये वाला था. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम जो है वो आगे चलते हैं. आपके पास जो है वो डेटा बुकलेट साथ होनी चाहिए और मार्क्स स्कीम जो है वो आपसे कोई मीलों दूर होनी चाहिए और आप उसकी तरफ बिल्कुल भी आंख उठा के भी नहीं देखेंगे. और अगर आप कोई कंसल्ट करना पड़ता है कुछ तो आप जो है ना वो यूज करें, नोट्स यूज करें. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं जी. पेपर 2 है वेरिएंट 2-2 का, सो लेट स्टार्ट. 60 मार्क्स का पेपर है, 1 आवर 15 मिनट्स का जी. सबसे पहले वो कहता है द फॉलोइंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज ऑफ एलिमेंट्स कैन बी यूज्ड टू प्रिडिक्ट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स. यूज इंफॉर्मेशन इन टेबल 1.1 टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. डिफाइन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. सो इट इज द एबिलिटी टू अट्रैक्ट shared pair of electrons electron. ठीक है, अब जो है वो next part देखेगा. oxygen and sulfur are in group 17. explain the difference in appalling electronegativity values of O and S. देखो 3.5 है और sulfur की 2.6 है. so अब इसमें जो है वो difference क्या आता है, क्योंकि बेटा वो ये आता है कि देखें जो oxygen और sulfur है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को क्या चीज़ें इफेक्ट करती हैं. आपका न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट करता है और एटॉमिक रेडियस इफेक्ट करता है. तो हम कहते हैं कि ओ हैज लेस एटॉमिक रेडियस. ठीक है, ऑक्सीजन हैज लेस हैज लेस एटॉमिक रेडियस देन सल्फर. हेंस इट हैज हायर. मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को ई एन लिख रहा हूँ फॉर शॉर्ट. ठीक है, आपने पेपर में पूरा लिखना है. उसके अलावा दो मार्क्स है ना, तो दूसरा रीजन क्या लिख सकते हैं, न्यूक्लियर चार्ज का लिख सकते एंड ऑक्सीजन ओ हैज हायर न्यूक्लियर चार्ज. न्यूक्लियर चार्ज then sulfur, hence more electronegative. ठीक है, so इस तरह आपने इसको उन फैक्टर्स के साथ लिंक करना है. अब जो है वो आगे आते हैं. LiH is an ionic compound, draw a dot and cross diagram of LiH. तो वो ionic compound है, तो ionic compounds की तरह बनाना है. क्या करेंगे भी, सबसे पहले square bracket बनाएंगे. lithium है, सर्कल करें, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लिथियम का, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन लिथियम के. लिथियम के इलेक्ट्रॉन्स आउटर शेल में वन होते हैं. ठीक है, आयनिक कंपाउंड है, एक लूज करेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे हाइड्रोजन लिखेंगे हम. और ये है और ये नेगेटिव होगा और ये हाइड्रोजन का जो लिथियम से आया है और ये हाइड्रोजन का अपना इलेक्ट्रॉन. ठीक है, सो ये डॉट एंड क्रॉस डायग्राम. सो जस्ट द शेप ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ H2S. H2S की शेप क्या होती है जी, सल्फर है, हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन है. ठीक है, और यहाँ पे एक लोन पेयर, यहाँ पे एक लोन पेयर, यहाँ पे बॉन्ड पेयर है. ठीक है, सो टू बॉन्ड पेयर एंड टू लोन पेयर. सो 109.5 डिग्रीज का एंगल होता है और जो शेप होती है वो नॉन लीनियर होती है. ठीक है, अब जो है वो हम आगे आते हैं जी सी पार्ट की तरफ. राइट द इक्वेशन दैट रिप्रेजेंट द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन. सो H है इन इट्स गैसियस फॉर्म और ये जो है ये H पॉजिटिव गैसियस प्लस इलेक्ट्रॉन हो गया. ठीक है, ये फर्स्ट हो गई. अब इसकी सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की इक्वेशन लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते क्योंकि हाइड्रोजन की सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो होती ही नहीं है. ठीक है, ठीक है. अब उसने यही पूछा कि why there is no information given in table 1.1 for the second hydrogen, because hydrogen only has one electron. ठीक है, उसका कोई और इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो वो रिमूव ही नहीं होगा, तो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी हो ही नहीं सकती.
गिव द फुल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ एस टू पॉजिटिव, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2, ये दो लूज हुए हैं वरना 4 हो जाए। CO2 एंड SO2 आर एसिडिक गैसेस, राइट एन इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ SO2 विद H2O, तो क्या होगा जी, SO2 प्लस H2O gives us, क्या बनेगा, H2SO3। इनऑर्गेनिक में हमने ये रिएक्शन किया था। अब SO2 का रिएक्शन करवा दो NaOH के साथ, ठीक है, NaOH के साथ, तो इसमें क्या बनेगा, Na2SO3 प्लस H2O, तो इसको बैलेंस भी करना होगा यहाँ पे, ठीक है। ये इक्वेशन नहीं है, पहले कभी नहीं करवाई। MgOH2 का रिएक्शन CO2 के साथ, तो क्या बनेगा जी, मैग्नीशियम कार्बोनेट बनेगा, इट इज अ वे ऑफ प्रिपेयरिंग मैग्नीशियम कार्बोनेट, ठीक है, अंडरस्टूड। नेक्स्ट पार्ट की तरफ आएगा, ई पार्ट की तरफ। Complete table 1.2 by placing a tick to show which of the compounds have molecules with an overall dipole moment. सबसे पहले CO2 को देखो, तो ये negative cancel हो जाएंगे, इसमें कोई नहीं है। SO2 में है, positive, partial negative, partial negative, तो इसमें है। CS2 में नहीं है, cancel हो जाएंगे, ये इसमें है SCO, ठीक है। S10O partial negative, partial 2 negative, partial positive, ये कट जाएगा, 2 negative overall dipole आ गया ना। अच्छा ये देखिएगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है जब इस किस्म का आता है, और काफी इजी भी होता है, मैं आपको करके दिखा बताता हूँ, चलो कर ही देता हूँ, बस आप क्या करेंगे वैसे। एट 150 डिग्री सेल्सियस 103 किलो पास्कल ऑल ऑफ द कंपाउंड्स listed in table 1.2 are gases, ठीक है, ये जितने भी 1.2 में आपको दिए हुए हैं, SO2, CO2, CO2, CS2 और SCO. Under these conditions, 0.48 gram of one of the compounds occupies the volume of 127 cm cube. Use the information to calculate the MR of the compound. Hence, identify the compound. अच्छा, आपके पास equation थी PV is equals to nRT. इधर से आप find कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इसके relating एक और equation मैंने दिखवाई थी, MR is equals to MRT over PV. ठीक है? So, अब इसके through MR find करें। Mass क्या है? 0.84. 0.284, R की वैल्यू 8.31, टेम्परेचर की वैल्यू कहाँ पे है, ये 150, तो 273 प्लस 150 क्या होता है, 423 केल्विन में लिखेंगे, ठीक है। ओवर प्रेशर इज 103 किलो पास्कल, तो 103 इंटू 10 रेज पावर 3, वॉल्यूम इज 127, 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है, तो 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 5, 6 cm क्यूब, तो ये कितने x मीटर क्यूब होगा, 127 cm क्यूब, तो ये इसकी वैल्यू जो है वो 1.27 इंटू 10 रेज पर माइनस 4 है। सो आंसर क्या आता है, कैलकुलेट करें, मैं भी कैलकुलेट करता हूँ, आप भी कैलकुलेट करें। 0.284 इंटू 8.31 इंटू 423 और 103 इंटू 103 जी, मेरा जो आंसर आ रहा है ना वो 77.8 है, ठीक है। सो MR इज 77.8 की MR की वैल्यू आ गया। अब इधर से देखें कि 77.8 किसके करीब है, हाँ जी, पहले का CO2 का तो हमें पता है 44 है, SO2 का कितना है, सल्फर 32.1 होता है प्लस 16 इंटू 2 60.1 आता है, सो आंसर आपका CS2 है, तो MR इज 76.3, ठीक है। यही वैल्यू इस्तेमाल करके हम 76.3 आइडेंटिटी ऑफ कंपाउंड CS2,
ठीक है, इसके करीब जो भी है वो हम देखेंगे। ऑफ कोर्स रिएक्शन में थोड़ी सी ऊपर नीचे कोई वैल्यूज हो गई होंगी, ठीक है, जब ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उसमें थोड़ी सी ऊपर नीचे वैल्यूज हो गई हैं, हो गई होंगी, जिसकी वजह से थोड़ा सा आंसर डिफरेंट आ रहा है, लेकिन यही कंपाउंड सी एस टू है। ठीक है, सो ये जो था ये क्वेश्चन नंबर वन था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर टू की तरफ आते हैं। द ग्रुप टू एलिमेंट्स मैग्नीशियम टू बेरियम आर ऑल सिल्वरी वाइट मेटल रिएक्टिव मेटल, ड्रॉ अ लेबल डायग्राम टू शो द बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ द ग्रुप टू मेटल एट रूम टेम्परेचर। आपने बेसिकली इसमें मेटेलिक बॉन्डिंग शो करनी है, ठीक है, क्योंकि मेटल्स हैं सारे, तो पॉजिटिव 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 ये नेगेटिव 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 नेगेटिव। ठीक है, ये जो है ये आयन है, और ये जो है ये सी, और ये डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये आपने शो करना है इसमें। अब वो पूछ रहा है एक्सप्लेन व्हाई मैग्नीशियम हैज हायर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देन सोडियम। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मैग्नीशियम की हायर क्यों है जी? बिकॉज मैग्नीशियम हैज मोर डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स देन सोडियम। ठीक है, जब आप इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देखते हैं ग्रुप टू के उसकी, तो सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फॉस्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन, जब ये आप सारे कुछ देखते हैं तो आपने ये नोटिस किया होगा कि सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन तक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एकदम बढ़ रही होती है। वो क्यों बढ़ रही होती है? वो इसलिए बढ़ रही होती है कि जो डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका नंबर जो है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये है इस वजह से। और फिर सिलिकॉन की जो है वो सबसे हाईएस्ट होती है। ठीक है, वो हमने इनऑर्गेनिक में हमने ये देखा था। राइट एन इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद कोल्ड वाटर। तो ये भी हमने बहुत अच्छे तरीके से इक्वेशन पढ़ी थी कि जब कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करोगे तो आपके पास MgOH2 और H2 गैस बनेगा, लेकिन जब हॉट वाटर के साथ करोगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगी। आइडेंटिफाई सिंगल रिएजेंट दैट कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश सेपरेट सैंपल्स ऑफ डाइल्यूट MgNO3 एक्वस एंड डाइल्यूट। सो रिएजेंट हम H2SO4 करते हैं। एनी सॉल्युबल सल्फेट कैन बी यूज। ठीक है, अब इसकी एक्सप्लेनेशन ये होगी कि जो H2SO4 हम इसके लिए यूज करते हैं कि बेरियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट जो है वो इनसॉल्युबल हैं। ठीक है, वो डिजॉल्व नहीं होंगे तो वो हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकेंगे कि कौन सा जो सब्सटेंस है वो कहाँ पे है, इसीलिए जो है वो H2SO4 यूज करते हैं कि वो सबसे बेहतर रिएजेंट है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। डिस्क्राइब व्हाट इज ऑब्जर्व व्हेन SRI2 रिएक्ट्स विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ये जब हम पढ़ रहे थे तब भी बताया था कि स्ट्रॉन्शियम SRI2 जब रिएक्ट होगा तो क्या बनेगा। जी, व्हाट इज ऑब्जर्व? सो एक हम कहते हैं कि वाइट प्रेसिपिटेट, एक वाइट प्रेसिपिटेट स्ट्रॉन्शियम का ऑब्जर्व होगा। दूसरी एक स्मेल आएगी, वो कौन सी स्मेल मैंने बताई थी? रॉटन एग स्मेल, गंदे अंडों की बू आएगी आपको SRI2 के साथ। ठीक है, इसके अलावा क्या हो सकता है? इसके अलावा हो सकता है एफरवेसेंस प्रोड्यूस होगी, पर्पल गैस प्रोड्यूस होगी। पर्पल गैस कौन सी? आयोडीन। ठीक है, तो ये दो और भी हैं जो कि आप लिख सकते हैं। अब देखिएगा, वो कह रहे हैं कंपाउंड एक्स एन एनहाइड्रस ग्रुप टू ब्रोमाइड। ठीक है, अब ये ग्रुप टू ब्रोमाइड है। ठीक है, डिजॉल्व इन वाटर एंड टाइट्रेटेड अगेंस्ट एक्वस सिल्वर नाइट्रेट। अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.25 ग्राम ऑफ एक्स रिक्वायर्स इतने Cm³ ऑफ इतने मोल पर Dm³ AgNO3 फॉर कंप्लीट आइडेंटिफाई एक्स। शो योर वर्क। इसको जो है आपको 2 मिनट्स दे रहा हूँ, इसको आप खुद सॉल्व कर, फिर मैं करता हूँ।
अच्छा, सबसे पहले हम ये करते हैं कि AgNO3 के मोल्स कैलकुलेट करते हैं। हमें बताया 0.05 मोल में आपके पास 1000 cm³ है और 33.65 cm³ में एक्स मोल होंगे, तो एक्स की वैल्यू क्या आई आपकी? 1.68 × 10⁻³⁻³ मोल, ठीक है, ये आपकी वैल्यू आती है। अब हम ये करेंगे कि हमने अब एक्स के मोल्स फाइंड करने हैं, ठीक है, तो हम 1.68 × 10⁻³⁻³ डिवाइडेड बाय 2 करते हैं, आंसर क्या आता है? 8.4 × 10⁻⁴ मोल्स, ये मोल्स हैं ऑफ एक्स, ठीक है। अब हमने मैस क्या फाइंड करना है, हमने आइडेंटिफाई करना है कि एक्स क्या है, उसके लिए हम एम आर ऑफ एक्स फाइंड करेंगे। सो एम आर ऑफ एक्स फाइंड करने के लिए जो हमारे पास उसके मास दिया हुआ है उसको हम डिवाइड कर देंगे उसके मोल्स के साथ, ठीक है, ऐसे ही करेंगे ना। तो ये क्या आता है आंसर? ये आता है 297.17, इसको राउंड ऑफ करके 297.2 कर देते हैं, ठीक है, क्या आया आंसर? 297.17 राउंड ऑफ करके 297.2 कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास ग्रुप टू ब्रोमाइड था, ब्रोमीन की क्या होती है? ब्रोमीन का AR क्या होता है? जी 79.9, ठीक है, 80 कह देते हैं, 79.980, ठीक है जी 79.9। अब 297 को, अच्छा ये ग्रुप टू ब्रोमाइड है, सो ब्रोमीन जो है वो आपको पता है कि Br2 की फॉर्म में होता है, डायटॉमिक होता है। 79.9 × 2 करोगे तो क्या होगा? 79.9 × 2 159.8। सो 297.2 − 159.8, 297.2 − 1, ये आपके पास 137.4 आता है, ठीक है। 137.4 का वन थर्टी सेवन किसका AR होता है? बेरियम का होता है, ठीक है। सो ये जो आपके पास है वो BR2 है, बेरियम ब्रोमाइड है। कैसा लगा फिर क्वेश्चन? अच्छा था ना, मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। देखिएगा कि उसने डाइट्रेशन किया है एक्स के साथ ग्रुप टू डिजॉल्व इन वाटर, ठीक है, उसने AgNO3 का आपको दिया हुआ था, हमने AgNO3 के मोल्स कैलकुलेट किए, फिर हमने एक्स के मोल्स कैलकुलेट करने थे तो हमने डिवाइडेड बाय 2 कर लिया, क्योंकि अगर हम इसकी इक्वेशन लिखेंगे वैल्यू करें तो वो जो है ना वो इतना ही रेशियो करेगा, तो हमें डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, तो हमारे पास एक्स के मोल्स आ गए। अब हमने एम आर फाइंड करना था एक्स का, तो हमारे पास तो उसने मास तो दिया हुआ था, ये अच्छी बात थी, तो हमने उससे एम आर फाइंड कर लिया, 297.2 आ गया। फिर हमने देखा कि Br2 जो है, हमने जब पढ़ा था ओ लेवल से पढ़ के आ रहे हैं कि फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये जो सारे हैं डायटोमिक हैं, ये ऐसे सिंगल एटॉमिक होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं, तो Br2 होगा, ठीक है, Br अकेला नहीं होगा, तो Br2, तो Br की क्या होती है? ये तो उसने बता दिया कि भाई ग्रुप टू ब्रोमाइड है, ठीक है, तो ब्रोमीन तो हो गई होगा, तो हमने Br2 लिया। Br का एक जो AR था वो 79.9 था, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 159.8 आ गया। फाइनल MR जो टोटल MR है वो हमारे पास तो आ गया, तो हमने उससे फाइंड कर लिया कि जो X है, जो कंपाउंड है जो हमें फाइंड करना है उसका क्या है, तो उसको जो अब हमने 137.4 फिर डेटा बुकलेट पीरियोडिक टेबल से देखा, तो उसका जो कंपाउंड था वो बी बेरियम था, तो हमारे पास BA Br2 जो है वो कंपाउंड आ गया, ठीक है। तो ये जो है ये यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म हो गया। अब जो है वो हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, थोड़ी सी आपके पास ऑर्गेनिक आ जाती है। एल्कीन्स अंडरगो रिएक्शन विद 1:1 मिक्सचर,
1:1 should C1 and H2 to form aldehydes. Figure 3.1 shows the reaction of propene with a 1:1 mixture of CO and H2. Define addition reaction. ये देखें, पहली दफा मैंने देखा है कि addition reaction की उसने definition पूछ ली है, ठीक है, जिसे मैंने लिखवाई भी थी आपको. When ये पूछ सकता है वो, when two molecules add together to form a single product. ठीक है, एल्डिहाइड ए एंड बी आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स. स्टेट द टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स शोन बाय ए एंड बी. तो ये ए और ये बी है. क्या हुआ जी, फंक्शन ग्रुप की पोजीशन चेंज हो गई है. सो इट इज पोजिशनल आइसोमर. ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि नेम ए, ए का नाम क्या है जी. ए इज 4 कार्बन है तो ब्यूटेनल एल्डिहाइड है. अगर कीटोन होता तो ब्यूटेन ओन होता, ठीक है, लेकिन एल्डिहाइड है तो ब्यूटेनल. नेक्स्ट पार्ट देखिएगा जी, ट्रिकी पार्ट आ गया अगला, द कंप्लीट रिएक्शन और हैवी 1 मार्कर. ठीक है, ये इसकी चलाकी देखें कि उसने इतना सोचने का आपको काम दिया और उसने 1 मार्कर दिया. बहुत एग्जामिनर जो है ना, ये बहुत किसे याद भी नहीं है. द कंप्लीट रिएक्शन ऑफ ब्रोमीन विद 1:1 मिक्सचर एंड मिक्सचर ऑफ CO एंड H2 प्रोड्यूसेस ए एंड बी ओनली. द प्रोडक्ट ऑफ मिक्सचर कंटेन 96% ए एंड 4%. कैलकुलेट द मास ऑफ ए प्रोड्यूस इन 5 इनटू 10 इज 3. प्रोपीन इज यूज्ड. ठीक है, दिखाओ ए कहां पे है, दिखाओ जरा. ए का एम आर क्या है, 4, 4, 5, 6, 7, 8. ये देखो अब हम करेंगे ये कि देखो, आप सबसे पहले 1 मोल में आपके पास प्रोपीन का एम आर होता है 42, तो 5 × 10³ kg जब होंगे तो ये एक्स मोल हो जाएगा. ठीक है, एक्स करो क्या आता है, 5 × 10³ आंसर डिवाइडेड बाय 42, ये 119.04 आता है. तो इसको मल्टीप्लाई करो 72 से, जो ए का एम आर है वो क्या आता है, ये 1.9. ये जब आपके पास फाइनल आंसर आता है जी, ये आपके पास आता है 8571.42, ठीक है, केजीज. अब वो कह रहा है कि आपने मास ऑफ ए जो 96%, ये ए और बी जो है ना, ये इतने केजीज प्रोड्यूस हुए. तो अब 96% कितना होगा, 42 × 96%, क्या आंसर आता है, 8228.57. सो राउंड इट ऑफ टू 8230 केजीज इसकी आंसर. ठीक है, इसमें तो कुछ समझाने का नहीं था बेटा, लेकिन मैं फिर भी समझा देता हूँ क्योंकि मैं बहुत टीचर हूँ, तारीफ खुद ही कर बेटा. उसने कहा था कि देखो 5 × 10³ kg ऑफ प्रोपीन यूज हुआ है, तो आप मास ऑफ ए कितना प्रोड्यूस हुआ है, उसने ये बता दिया था कि भाई 96% ए बन रहा है. ठीक है, हमने मोल्स फाइन किए कि भाई कितने मोल्स जो है ना वो रिक्वायर्ड है प्रोपीन के 5 × 10³ यूज करने के लिए, तो 119.04 थे. अब हमने ए और ए प्रोड्यूस करना है, तो हमने 72 जो ए का एम आर था उससे ऐड कर मल्टीप्लाई कर दिया और हमारे पास टोटल मास आ गया कि टोटल ए और बी जो बन रहे थे वो कितने थे. उससे फिर हमने जो है ना वो 96% जो उसने दिया था वो निकाला और हमने 8230 केजीज जो वैल्यू थी वो हमने निकाल ली यूजिंग 96% जो उसने बताया हुआ था. ठीक है, अब जो है वो नेक्स्ट आगे आते हैं जी. अब ये जो है ना, ये अब आप खुद ठीक करिएगा इसका, तो आप खुद करना है तो आपको आना चाहिए अब तक, तो ट्राई करें जरा. ये तो रिएक्शन मैकेनिज्म हम बहुत दफा कर चुके हैं, रिएक्ट मिक्सचर ऑफ HCN एंड KCN. ठीक है,
सो अब इसमें यह है कि आप कहोगे कि ये सीएन है नेगेटिव, ये लोन पेयर है, ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन जो है ना वो ऑक्सीजन को दे देगा और ये जो है ये लोन पेयर अटैक करेगा इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर। फिर क्या होगा, फिर है आपके पास यहाँ पे एच आएगा, सी आएगा, C3H7 आएगा और ये आपके पास सी एन यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे ऊपर जो ओ था उसमें फुल नेगेटिव चार्ज और ये लोन पेयर निकल आया। फिर ये एच सी एन था आपके पास, तो ये एच पॉजिटिव जो है वो अटैक इस लोन पेयर के ऊपर और ये आपके पास कंपाउंड एज ए रिजल्ट बन जाएगा। ठीक है, ओके। अब जो है वो हमने ये देख लिया कि ये जो था ये इसका मैकेनिज्म था। अब जो है वो हम अगले पार्ट की तरफ आते हैं। टेबल 3.1 शोज इंफॉर्मेशन अबाउट थ्री एक्सपेरिमेंट्स इन्वॉल्विंग बी, कंप्लीट टेबल 3.1। अच्छा, तो बी क्या था, जरा बी का हम देखें स्ट्रक्चर ताकि हमें पता चल जाए कि किस तरह हमने इसको देखना है। तो बी इज दिस, ठीक है। अच्छा, बी जो है आपके पास ये है, ठीक है। सबसे पहला देखें, सोल्यूशन टर्न फ्रॉम ऑरेंज टू ग्रीन, तो कौन सा रिएजेंट है जिससे ऑरेंज टू ग्रीन कलर चला जाता है। हाँ जी, एसिडिफाइड K2RCO2, एसिडिफाइड K2CR2O7, ठीक है। अ सिल्वर मिरर फॉर्म्स ऑन द साइड ऑफ द रिएक्शन वेसल। अच्छा, ऑरेंज टू ग्रीन एसिडिफाइड K2CR2O7 जाता है, पर्पल टू कलरलेस कौन सा होगा, KMnO4। हाँ, सिल्वर मिरर, तो सिल्वर मिरर किसमें बनता है जी, टॉलेंस रिएजेंट में। ठीक है, ये अच्छा, अब ये मुझे बात ये बनाएंगे, एसिडिफाइड K2CR2O7 के साथ ये रिएक्शन करेगा, ये करेगा क्योंकि इस एल्डिहाइड है और ये जो है ये फर्दर ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा, ठीक है। दूसरी बात, ये टॉलरेंस रिएजेंट के साथ करेगा, यस करेगा क्योंकि इसमें सी डबल बॉन्ड ओ प्रेजेंट है, ठीक है, एल्डिहाइड है, करेगा। Br2 aqueous, Br2 aqueous कब होता है, एल्कीन की टेस्ट के लिए होता है, तो इसमें कोई एल्कीन सी डबल बॉन्ड सी ग्रुप है तो नहीं है, तो ऑब्जर्वेशन विद बी होगा नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगा तो ऑब्जर्वेशन कहाँ से डालोगे, ठीक है। अब जो है वो देखें, टेबल था इतना इजी सा और ये 3 मार्क का उसमें दिया। अब जो है वो हम आगे आते हैं, C4H8O जो बी है कैन इज ऑक्सीडाइज बाय एसिडिफाइड पोटेशियम मैंगनेट 7, कंप्लीट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन यूज O टू गिवन वन एटम ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। C4H8+O करोगे और ये जो है ये एल्डिहाइड था, तो इससे हम जब करेंगे तो हमारे पास C4H8O2 कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। चलो, हाँ जी, नेक्स्ट पार्ट ये का वो कह रहा है, सी इज अ कायरल मॉलिक्यूल, सर्कल एनी कायरल सेंटर इन द स्ट्रक्चर ऑफ सी शोन इन फिगर 3.2, इसमें कायरल सेंटर कौन सा है, ये वाला कार्बन नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं जी, ये वाला कार्बन जो मैंने येलो से हाईलाइट किया है, दिस कार्बन इज काइरल कार्बन, बिकॉज आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके पास यहाँ पे OH है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे CN है और यहाँ पे ये सारा मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये जो है ये काइरल कार्बन है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखिएगा, When propene propene reacts with CO and an excess of H2 and alkane and a mixture of alcohols are formed. Instead, with alcohols are isomers of each other. This is just the molecule formula of the alkane and the alcohols that are formed under these conditions. तो propene क्या होता है? C3H6. तो जो alkane इधर से बनेगा वो C propane ही होगा, C3H8. ठीक है? Alcohols, alcohol कौन सा बनेगा? Alcohol के अंदर हम एक और ये C ऐड हो जाएगा, तो C4H10O, ठीक है, तो इस तरह हो जाएगा। फिर आप इसके C4H10O के ना मुख्तलिफ आइसोमर्स बनाते रहना तो वो बनते रहेंगे, ठीक है। तो हम आगे आते हैं, रिएक्शन ऑफ इथेन C2H4 विद वन रेशियो वन मिक्सचर ऑफ CO एंड H2 इज शोन इन इक्वेशन वन, एन एटमोस्फेरिक प्रेशर कोबाल्ट बेस्ड कैट catalyst is used in the reaction, state and explain the effect of using a catalyst on the reaction.
जी तो क्या इफेक्ट है? वो ये है कि कैटलिस्ट का इफेक्ट बताना है ना रिएक्शन के ऊपर, तो हम लिखते हैं कि इट इंक्रीजेज स्पीड ऑफ रिएक्शन, स्पीड ऑफ रिएक्शन, स्पीड ऑफ रिएक्शन बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, द एक्टिवेशन एनर्जी in activation energy and by providing an alternate pathway. ठीक है, पाथवे टू द रिएक्शन. ठीक है, तो ये कैटलिस्ट के बारे में हमने ये बता दिया कि हाउ इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन. Explain why the yield of CH3, CH2, CHO increases with the overall pressure of the reaction mixture increase. जब प्रेशर जो है इंक्रीज होंगे तो इसकी यील्ड इंक्रीज क्यों होती है? जब प्रेशर बढ़ाओगे तो इसकी यील्ड इंक्रीज क्यों होती है? प्रेशर बढ़ाने से हमने ये देखा था कि इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में जाएगा जहाँ पे लेस नंबर ऑफ मोल्स होंगे. तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 है. ठीक है, तो हम लिखते हैं कि इक्विलिब्रियम मूव्स equilibrium moves to the direction direction which has lesser number of moles of gases. ठीक है, तो वो प्रेशर जब इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन कहा जाता है, यहाँ पे लेस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखिएगा. यूज योर इंफॉर्मेशन इन टेबल 3.2 टू कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच आर ऑफ द रिएक्शन इन इक्वेशन 1. ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन हो गया जी. इक्वेशन 1 दिया है और फॉर्मेशन दी हुई है. तो सबसे पहले हम इस तरह करते हैं कि यहाँ पे हम देखते हैं कि देखो अभी इसने 2 मार्क है ना, तो अगर हम साइकिल नहीं भी बनाते ना तो कोई मसला नहीं है. तो मैं छोटा सा यहाँ पे आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए फिर भी बना देता हूँ. ये एलिमेंट्स हैं इसके, ये C2H4 बना प्लस 52, यहाँ पे CO बना माइनस 111, H2 कुछ नहीं हुआ और ये बना माइनस 187. ये हमने करना डेल्टा एच आर. तो एक रूट जो है वो आपका ये हुआ और एक रूट आपका ये हुआ. तो रूट 1 इज इक्वल टू रूट 2. तो डेल्टा एच, हम कहते हैं कि डेल्टा एच आर प्लस 52 प्लस माइनस 111 इज इक्वल टू माइनस 187. तो डेल्टा एच आर क्या था, कैलकुलेट करें, माइनस 128 किलो जूल पर मोल. अगर आप सारी फोर्सेस नहीं बताएंगे ना तो आपको 0 मार्क. कोशिश करें कि जितनी आप सारी बता दें जो जो प्रेजेंट है. CH3, CH2, CHO, एल्डिहाइड है, हाइड्रोकार्बन है, एल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट है. इसमें कौन सी फोर्सेस होने वाली है? इसमें सबसे पहले जो होंगी वो तो आईडीआईडी फोर्सेस होंगी. ठीक है, दूसरी जो होंगी वो पीडीपीडी फोर्सेस भी होंगी. ठीक है, इसके अलावा मुझे बताएं हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी? नहीं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बॉन्ड नहीं बना रहा. ठीक है, तो सिर्फ ये 2 फोर्सेस प्रेजेंट होंगी आपके पास. ठीक है, तो ये जो था ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया. क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं. ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इट शोज सम रिएक्शंस ऑफ कंपाउंड डी टू ब्रोमो ब्यूटेन. तो ये थोड़ी सी रिएक्शंस आप देख लें, इनको पढ़ लें एक दफा. रिएक्शन 1 देखें कि एलिमिनेशन हो रही है,
ठीक है, एल्कीन बन रहा है, फिर एल्कीन से आके हम एडिशन पॉलीमराइजेशन भी कर सकते हैं। रिएक्शन टू देखें जी, HNO3 एथेनॉल डाल के OH आ गया, अल्कोहल बना रही है, फिर उसका एल्कलाइन I2 एक्वस के साथ रिएक्शन करके बना दिया। रिएक्शन फोर में हमने सब्स्टिट्यूशन की और फिर हमने नाइट्राइल ग्रुप आ गया, फिर उसकी रिडक्शन की और H बना लिया। ठीक है, तो ये इस तरह है, इसको देखना है। अब जो है वो क्वेश्चन की तरफ आते हैं, अभी क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहे हो। स्टेट द रिएजेंट्स एंड कंडीशंस यूज्ड टू फॉर्म ई इन रिएक्शन वन। सो ई में जो है वो एल्कीन हो रही है, सो हम तो इसकी जो रिएजेंट और कंडीशंस थी वो क्या थी, NaOH डिजॉल्व इन एल्कोहल, डिजॉल्व इन एल्कोहल प्लस हीट। ठीक है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ वन रिपीट यूनिट ऑफ द एडिशन पॉलीमर दैट फॉर्म्स ई। सो ये ई है, इसका एडिशन पॉलीमर बनाना है। सो इसका एडिशन पॉलीमर कैसे बनेगा, अब इसका एडिशन पॉलीमर बनाएंगे। सो सबसे पहले आप यहाँ पे ये सी है, सी है, ये यहाँ पे CH3 बना दोगे, ठीक है, और नीचे CH नीचे लगा दो, ठीक है, और यहाँ पे ब्रैकेट भी लगा लिया। ठीक है, तो ये एडिशन पॉलीमर का एक वो रिपीट यूनिट बन गया। ई ऑल्सो फॉर्म्स एफ व्हेन इट इज स्ट्रॉन्गली हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ Al2O3 कैटलिस्ट। ई जो है वो एफ भी बना सकता है जब वो Al2O3 कैटलिस्ट में हीट होगा। ठीक है, बिल्कुल ऐसा बना सकते हैं, हमने पढ़ा था रिएक्शन में। तो इसकी जो है वो आप लिखिएगा, इक्वेशन लिखिएगा। तो इसमें हम इस तरह लिखते हैं कि C4H8 है, C4H8 है, तो ये जो है ये CH3 CHOH C2H5 C2H5 बना देती है। ठीक है, हाँ जी, तो ये इस तरह बन जाएगा। नेक्स्ट पार्ट देखिएगा, प्रिडिक्ट व्हाट इज ऑब्जर्व इन रिएक्शन टू। रिएक्शन टू का है जी AgNO3 इन एथेनॉल, तो AgNO3 है, तो ये हम कहते हैं प्रेसिपिटेट बनेगा, इसका कलर क्रीम होगा, तो क्रीम कलर प्रेसिपिटेट। आइडेंटिफाई द येलो प्रेसिपिटेट एंड ऑर्गेनिक आयन फॉर्म रिएक्शन थ्री। तो जी ये जो आप है, ये जो रिएक्शन थ्री हो रहा है ये आयोडो फॉर्म है, आयोडो फॉर्म टेस्ट है। ठीक है, तो ये जो येलो प्रेसिपिटेट बनता है ये CHI3 है, तो ये जो ऑर्गेनिक आयन बना था इसको मैंने कहा था RCOO- होना। ठीक है, अब R की जगह जो आपके पास चेन है वो आप यहाँ पे लगा लेंगे, तो CH3CH2 है। ठीक है, तो येलो प्रेसिपिटेट इज CHI3 और ये जो है ये CH3CH2COO-। ठीक है, स्टेट टाइप ऑफ रिएक्शन दैट अकर्स इन रिएक्शन फोर। रिएक्शन फोर कहाँ पे है जी, हाँ जी, ये देखिएगा कि ये Br से CN चला गया, KCN डिजॉल्व इन एथेनॉल, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं इट इज न्यूक्लियोफिलिक। यहाँ पे अगर आप सब्स्टिट्यूशन भी लिखते हैं तो वो भी ठीक होगा, लेकिन मेरा मानना यह है कि आप पूरा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन लिख दें ताकि गलती के चांसेस ना कम हो उसके। रिएक्शन 5 इज सिमिलर टू द रिएक्शन ऑफ LiAlH4 विद कार्बोक्सिलिक एसिड टू फॉर्म अल्कोहल, सजेस्ट द रोल ऑफ LiAlH4 इन रिएक्शन 5। हम ये कहते हैं कि इट एक्ट्स एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। ये देखिएगा, फिगर 4.2 शोज द इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम ऑफ वन ऑफ द कंपाउंड डी ई एफ जी और एच। तो ये आप देख सकते हैं इनके जो हैं वो सारे कंपाउंड्स वहां पे। अब ये पूछ रहा है कि यूज इंफॉर्मेशन फ्रॉम टेबल 4.1, कहां है टेबल 4.1, ये है, ठीक है, टेबल 4.1
identify which of the compounds D, E, F, G और H produce the infrared spectrum in figure 4.2. मुझे बताएं कि D जो है ब्रोमीन, ब्रोमीन क्या ये बना सकता है? ब्रोमीन ही बना सकता है, तो D है ही नहीं, ठीक है। D को हम गिनती से निकाल लेते हैं, ठीक है, D को हमने ये गिनती से निकाल दिया। E, E में C डबल बॉन्ड C है, ठीक है, तो C डबल बॉन्ड C की जो पीक है वो 1500 से 1680 आ रही है, ठीक है। अब देखो 1500 से 1680 की पीक है, 1500 से 1680 की कोई पीक यहाँ पे आपके पास नहीं आ रही, तो इसका ये मतलब है कि E जो है वो भी आपकी दौर से भाग दौर से निकल गया। फिर F, F में क्या था जी? F में OH बॉन्ड था, ठीक है, OH बॉन्ड था। OH बॉन्ड को देखो हाइड्रोक्सी 3200 से 3600 की पीक आपको कोई नजर आ रही है? मुझे बताएं 3200 से 3600, ये देखो 3000 के बाद तो पीक ही नहीं है, तो F जो है ना वो भी आपकी दौर से निकल गया, ठीक है। अब G और H रह गई, G में क्या था? G में C ट्रिपल बॉन्ड N नाइट्राइल की पीक थी जो कि मोस्ट कॉमन थी, और ये 2200 से 2250 है, ठीक है, 2200 से 2250 आपको कोई पीक नजर आ रही है? 21, 22 ये आपको इतनी बड़ी पीक नजर आ रही है, देखो ये क्या पीक है, ये पीक जो है ये C ट्रिपल बॉन्ड N की पीक है, ठीक है। तो G को हम थोड़ा सा कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन H को भी देख लेते हैं। तो H में क्या था? H में NH2 था, ठीक है, अमाइन ग्रुप था, तो NH2 3300 से 3500, ठीक है, 3300 से 3500 है, कोई भी नहीं है, ये देख सकते हैं कि 3000 के बाद कोई पीक ही नहीं है, ठीक है। तो ये C H भी निकल गया, तो आपके पास पीछे रह गया G। सो अब ये बताते हैं कि इट इज़ इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा, दिस इज अ स्पेक्ट्रा ऑफ G, स्पेक्ट्रा ऑफ जी एस सी ट्रिपल बॉन्ड एन पीक इज प्रेजेंट प्रेजेंट और बताना है प्रेजेंट बिटवीन 2200 या 2250 पीएम माइनस वन, ठीक है, बस यही और कोई बस नहीं होगा, ठीक है। इन द मास स्पेक्ट्रम ऑफ डी द रिलेटिव मास स्पेक्ट्रम ऑफ मास स्पेक्ट्रम इज 3.4, व्हाट इज द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ द m प्लस 2 पीक फॉर डी, ठीक है। तो जी रिलेटिव अबंडेंस जो होगी वो 3.4 होगी, एंड रिलेटिव अबंडेंस जो है अबंडेंस जो है वो 50 रेशियो 50 और 1:1 ऑफ डी आर 79, डी है ना तो डी हेलोजन है, बी 971 रेशियो बी आर 81 की जो हो जाएगी वो 50:50 हो जाएगी, या 1:1 उसकी रिलेटिव अबंडेंस आपको मौसूल होगी, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो था ये चार ही क्वेश्चन थे इस पेपर में, और ये काफ़ी मोस्ट वेटेड पेपर था जो कि अभी तक आ नहीं रहा था और ये आ गया। सो फरवरी मार्च 2023 का पेपर 2 भी हमने वेरिएंट 2 हमने कंप्लीट कर लिया है अल्लाह के हुक्म से, और आई एम श्योर ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ भी आ गया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कॉमेंट्स में पूछ सकते हैं, और आप हमारे इंस्टाग्राम पर भी हमें मैसेज करके पूछ सकते हैं। एग्जाम्स का सीजन चल रहा है इस वजह से अब हम जो है ना वो ओपन है फॉर ऑल क्वेश्चंस राइट नाउ, ठीक है, ऑन आवर इंस्टाग्राम एज वेल एज आवर ईमेल एज वेल एज आवर यूट्यूब कॉमेंट्स, ठीक है। तो प्लीज़ ज़रूर अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट करें, और एक चीज़ लाजमी है वो ये है कि सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं, और हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरतों वहाँ के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।